अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं तीन ट्रिक्स लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप तीन ट्रिक्स को अपनाते हुए आप जो है बाइनांस में अपनी रकम को लॉस होने से बचा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स मैंने काफ़ी अर्सा इसकी वर्क की है, तो तभी जाके ये ट्रिक्स मेरे माइंड में आई है। और ये उन स्पेशल उन लोगों के लिए है जो जल्दबाजी में करते हैं या जो न्यू हैं, उनको पहले इन चीज़ों के बारे में आगाही होनी चाहिए, उसके बाद तब जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट न करें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और आपकी अमाउंट जो है हमेशा के लिए डूब जाएगी। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। ये SLP मैंने कॉइन्स बाई किए थे, ठीक है, मैंने इसमें लगाए $25 और 74 कॉइन्स मैंने बाई किए और आज इसकी अमाउंट जो है $1 से कम है। अब ये कॉइन्स जो है अब मैं इसको निकाल नहीं सकता क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, $10 से कम है। बाइनांस $10 से जिसकी भी कॉइन्स की वर्थ कम होती है $10 से, तो वो आप उसको निकाल नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी 4 हो गया, 5 हो, आप निकालना चाहते नहीं निकाल सकते। $10 जब तक नहीं होगा उस टाइम तक, यानी ये समझ लें आपके ये जब तक $10 नहीं, ये हयात, यानी इसी तरीके से आपकी रकम डूबी हुई है और ये मुझे नहीं लगता कि कब ये ऊपर कभी होंगे या नहीं होंगे। इसी तरीके से मैंने लोना लिया था, लोना जो है 5 शारिस्ताना लिया था, तो वो उसकी भी ये देख लें, वो दोबारा उसकी वैल्यू ये चली गई है पॉइंट में। और अब मैं ये जब तक $10 इसके ऊपर लोना के ऊपर मैंने $65 लगाए, तो मेरे $65 ये देखेंगे आ गए। ये आ गई एक ट्रिक्स, यानी आपने कोई भी कॉइन्स है उसको उसमें जो अमाउंट आप लगा रहे हैं उसको ये देखते रहें कि अगर $10 से वो उसकी नीचे जा रहा है तो फिर आप अपनी अमाउंट निकाल दें, वरना आप फिर उसके बाद कभी भी अपनी अमाउंट क्या है वो $10 भी आप नहीं निकाल सकते। दूसरी ट्रिक्स ये है कि आप किसी जो भी वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं किसी तरह से आप अंधाधुंध, मतलब किसी के एतमाद नहीं करना, वो कुछ कॉइन्स बताएगा, कुछ कॉइन्स बूस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यानी आप काफ़ी वीडियोस मैंने आप जिस तरह SLP के बारे में सुना था, ठीक है, RSR के बारे में सुना था, इन और डोगी कॉइन के ऊपर, इनके ऊपर मैंने अमाउंट इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, डोगी में देखा अभी $2 है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि ये मैंने इसमें की थी, डोगी में मैं $20 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, अभी RSR का ये देखें 1.30, तो ये है कि आप में जो भी वीडियो ट्यूटोरियल देखें वो लाजमी नहीं है कि उनके अंदर तकलीफ करें, बल्कि अपने खुद से भी सर्च करें कि आया कि ये बंदा सही कह रहा है और ख़ुद तहकीक करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आप लास्ट की तरफ जाएंगे और आपका मज़ीद नुकसान होगा और आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ख़ुद भी खुद रिसर्च करके अच्छी तरीके से उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। मैंने ये किया था कि अंदर तकलीफ करके मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अब ये जैसा लूना काफ़ी अच्छी जा रहा था, इसके बारे में काफ़ी वीडियो बन गई और आखिर में वही हुआ कि लूना ऐसे क्रैशेस का शिकार हुआ कि अब लूना जो है दोबारा खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। तो देखें पहले कॉइन्स को अच्छी तरह स्टडी करके उसके बाद गौर फिक्र करके करें, क्योंकि मेरे भाई एक दफ़ा आपकी अमाउंट चली गई तो चली गई, अब मुझे तो नहीं मिल सकते। ठीक है, अच्छा, तीसरी ट्रिक्स शेयर मैं आपसे ये करूँ, ये कहा जाता है कि अक्सर कहा जाता है कि आप जो है न्यू जो कॉइन्स इन हो रहे हैं वो अच्छा, ये गुड आइडिया है, लेकिन इसमें 100 में से ये देखिए भी ये न्यू कॉइन्स हैं, 100 में से चंद एक कॉइन्स होंगे जो अपनी वैल्यू को बरकरार रखेंगे और तसलसल के साथ ऊपर बढ़ेंगे, अप एंड डाउन तो होता रहते हैं, लेकिन ये कि 99% कॉइन्स जो हैं स्टार्टिंग में बूस्ट अप हो के उसके बाद डाउन हो जाते हैं। जिस तरीके से मैं अभी कॉइन कर रही देखें APEBUS APE, अब APE ये देखें स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल पॉइंट ये इसने डाउन हुआ तो फिर अप हुआ, बूस्ट हुआ, तो अपनी इनिशियल वैल्यू जो है इसकी ये देखें इनिशियल से ये देखें डाउन जा रहा है और डाउन गया गया फिर थोड़ा सा ये अप हुआ है, तो उसके बाद ये अपनी इनिशियल वैल्यू से जो है डाउन चला गया। ठीक है, इसी तरीके से और कॉइन्स है, कौन सा कॉइन है, LDO, ठीक है, तो ये देखें ये स्टार्टिंग में ये देखें इसने अप की है, छलांग लगाई है सही, फिर
उसके बाद ये डाउन गया है, डाउन गया, फिर अप हुआ है, अच्छा हुआ है, फिर उसके बाद डाउन और डाउन। ये एल डी ओ, ये कुछ इसकी अच्छी वो इसने दिखाई। उसके बाद ये भी अपनी वैल्यू जो है ओरिजिनल से डाउन चला गया। तो कहने की बात यह आ जाती है कि इस तरह के बहुत से कॉइन्स हैं जो स्टार्ट, अगर आप करना चाह रहे हैं न्यू कॉइन्स में, तो पहले देखें कि आया कि उसकी वैल्यू कितनी अप होगी है। अगर थोड़ी सी है नैरो में, पहले उसको सर्च करके फिर उसके बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट करें। देखें इस तरह, अब यही देखें, ये स्टार्टिंग में ग्रीन गया, फिर उसके बाद लास्ट में गया, फिर और बाद यह होता कि ये पहली फर्स्ट कैंडल्स की जो है वो टॉप पर जाती है, उसके बाद फिर ये लास्ट में, इस तरह भी देखने को आया है। तो 100 में से कुछ चंद एक कॉइन्स होंगे जो अपनी वैल्यू बरकरार रखेंगे, बाकायदा ये अगर डाउन जाएंगे। तो ये इस तरह, ये तीन ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना था, ताकि आप, बल्कि स्पेशल जितने भी न्यू लोग हैं या ओल्ड लोग हैं, उनके जहन में ये ट्रिक्स करनी थी कि किस तरीके से अपने आप को नुकसान से बचाया जाए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके पास कोई इस तरह की और ट्रिक्स हैं, मेरे से लाजमी शेयर करें। ओके, खुदा हाफिज़।